What's up guys, I'm Rob, welcome to my channel. Guys, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है इसमें मटेरियल्स लाना मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज़ कुछ ऐसे DIY प्रोजेक्ट्स बनाइए जो घर पे हम आसानी से बना सकते हैं या जो घर पे मटेरियल्स पड़े हैं उसके साथ आप बना सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ पेपर। और अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, घर पे अगर मैगजीन्स पड़ी हैं, कोई पुरानी बुक्स पड़ी हैं तो उसके पेपर को रिसाइकल करके आप इसे बना सकते हैं। कूल चीज़ ये है कि इट्स एन ऑर्गेनाइज़र एंड इट्स पोर्टेबल, तो आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ करेगा और साथ साथ में आप इसे फोल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं और वहाँ ओपन करके आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। साउंड्स कूल राइट? तो चलिए बनाते हैं। गेट रेडी, इट्स टाइम फॉर सम DIY। व्हाई? बिकॉज़ आई लव इट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास है एक स्क्वेयर शीट ऑफ पेपर जिसका साइज है 12 inches by 12 inches। तो चलिए एक रूलर लेते हैं। तो अभी हमें इसे 3 equal parts में डिवाइड करना है और इसे 3 equal parts में डिवाइड करते हैं और 4 inches ईच। तो यहाँ पे मैंने एक 4 inches पे और एक 8 inches पे मार्किंग ले ली है। चलिए अब इसे फोल्ड करते हैं। देयर यू गो, इट्स डिवाइडेड एज यू कैन सी इन 3 equal parts। अब हम क्या करेंगे, हम इसे हाफ फोल्ड करेंगे लाइक दिस। अब मैं ये वाला हिस्सा लूंगा और इसे अंदर की तरफ मैं फोल्ड करूंगा और कॉर्नर पकड़ के इस तरह से ओपन करेंगे और प्रेस करेंगे ताकि हमें यहाँ पे एक इस तरीके का ट्रायंगुलर फोल्ड या फिर सेक्शन मिल जाए। अब सेम चीज हमें करनी है इसके दूसरी तरफ। नाउ विल फ्लिप इट एंड विल फोल्ड वन साइड इन लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक मार्किंग या फोल्ड है, तो हमें इसके अलॉन्ग इसे फोल्ड करना है। तो इसको ओपन करेंगे और ऐसे यहाँ पे इसे प्रेस करेंगे ताकि यहाँ पे नीचे हमें एक छोटा सा कॉर्नर के अलॉन्ग ट्राइंगुलर फोल्ड मिल जाए। नाउ डू द सेम थिंग ऑन दी अदर साइड। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म मिल गया है विद अ रेक्टेंगुलर फॉर्म इन द मिडल एंड ट्राइंगुलर शेप्स ऑन द साइड्स। तो इस हिस्से को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस लाइन के अलोंग। अब हम इसे उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे, फोल्डेड बैकवर्ड्स, ताकि ये बन गया एक छोटा सा फ्लैप। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैप यू कैन लॉक इट इन प्लेस। इस तरह से फ्लैप को अंदर डाल के आप इसे लॉक कर सकते हैं। और यही सेम चीज हमें दूसरी तरफ करनी है। There you go. अब हमें क्या करना है कि ऊपर का हिस्सा जो है इसे नीचे की तरफ हमें फोल्ड करना है। मार्किंग के लिए आप ये पॉइंट्स ले सकते हैं, अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर फ्लिप करके दूसरी तरफ भी हमें सेम चीज करनी है। अब इन छोटे फ्लैप्स को अगर आप ओपन करेंगे, यू कैन सी वी हैव अ पॉकेट हियर। तो इसको ओपन करके ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे ताकि हमें एक अकॉर्डियन फोल्ड मिल जाए। सेम चीज हमें करनी है दूसरी तरफ भी। एंड वी आर डन। तो यहां पे हमें एक पॉकेट मिल गई है। नाउ आई नीड 4 more। तो ये आ गई बाकी की पॉकेट्स, 5 in total। ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन लिया है। चलिए इन सबको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे ये फ्लैप। इस छोटे फ्लैप को यहाँ पे मैं नीचे इस छोटी पॉकेट में इंसर्ट कर दूंगा लाइक दिस। पुश करना है टू मैच इट टू दिस लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ पॉकेट्स मिल गई हैं, लेकिन ये पॉकेट जो है ये फ्लिप्ड है, यानी उल्टी है। तो चलिए अब इस छोटे फ्लैप को ओपन करते हैं। अब ये जो फ्लैप है इसको इस ग्रे पीस के अंदर की तरफ अटका देंगे लाइक दैट एंड दे आर कनेक्टेड। तो हमने बिना ग्लू स्टेपलर टेप के इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया है। चलिए बाकी की पॉकेट्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं। एंड वी आर डन। और ये आ गया है हमारा पोर्टेबल डेस्क ऑर्गेनाइजर विद दिस अकॉर्डियन फोल्ड, जिससे कि आप फोल्ड कर सकते हैं और ये हो जाता है पोर्टेबल।
और इसकी कूल चीज ये है कि इसमें आप और पीसेज ऐड कर सकते हैं और इसे बड़ा बना सकते हैं। सो हैव फन विद इट। तो कैसा लगा आप लोगों को? कहा था ना मैंने सिंपल है और आपको सिर्फ पेपर चाहिए, तो आप पेपर को उठा के आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं। बट गाइस ऑनेस्टली आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, क्योंकि आपको मेरे नए टीवी शो के बारे में पता है, तो मैं उसके लिए आजकल शूट कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी और टाइम जो है वहाँ डेडिकेट कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, विच मीन्स कि मैं ज़्यादा नए वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब यूट्यूब चैनल बंद होने वाला है, नए वीडियोज़ आएंगे बट थोड़ा थोड़ा कम आएंगे। इसलिए मैं अपने कुछ पुराने वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो इसलिए भी क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, थोड़े कम लोग थे, बट उस टाइम पे भी मैं बहुत अच्छा कंटेंट बना के डाल रहा था जो कि कई लोगों ने नहीं देखा है। इसलिए मैं वो अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अगर आप बोल रहे हैं कि ये तो मैंने देखा हुआ है, ये पुराना वीडियो है, दैट मीन्स आप मुझे उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं। सो थैंक यू, अ बिग बिग थैंक यू कि यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द फैमिली। पर बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया है इसलिए वो ये सब कॉन्टेंट को अभी देख के इन्जॉय कर सकते हैं। सो प्लीज़ बेयर विद मी, नया कॉन्टेंट भी आएगा और नया शो भी आने वाला है, तो बहुत मज़ा और मस्ती होने वाला है। राइट, तो प्लीज़ इसे इंजॉय कीजिए और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगर आप कुछ सिंपल सीखना चाहते हैं तो मैं क्या बना के दिखाऊँ। ओके, मिलूंगा आपसे अगली बार। टिल देन डू गुड एंड बी गुड। पीस।